साथ में कोई इलाज नहीं किया, हमें इलाज करवाने हैं, मम्मी को भर्ती किए, इनको घबराहट चक्कर और सर में दर्द जाना है, बस एक इंजेक्शन लगा दिया, एक टेबलेट दे दी, दोबारा 4-5 बजे तक कोई आया नहीं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात आपने जन प्रतिनिधियों के मुख से जरूर सुनी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दतिया जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसा हम नहीं बल्कि वहां उपचार कराने पहुंच रहे लोग बयां कर रहे हैं। घबराहट होने लगी तो हम बाहर बहने निकाल के लाए, तो फिर दोबारा गए तो कोई आया नहीं। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 400 बेड का अस्पताल लोगों के सेवा के लिए सौंपा गया है, लेकिन अस्पताल में मरीज जान के साथ खेल रहे हैं। और जब राउंड पे डॉक्टर था तब हम बाहर थे, तो फिर सुबह हमने बोला तो बोली आपका पर्चा तो यहाँ से कट गया मैडम, अब दूसरा पर्चा बनवाऊंगी तभी भर्ती करेंगे, और कोई है नहीं, हमारे पिताजी है नहीं, हम अकेले थे, किसी ने मदद भी नहीं की यहाँ पे। फिर हमने दोबारा अभी पर्चा कटवाया, जब दोबारा जाने को भर्ती करने को ले जा रहे थे। इसके कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों और दवाइयां भी मौजूद नहीं हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए दतिया से नवल यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।